सब्सक्राइब कीजिए ग्रीन किचन हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार, ग्रीन किचन में आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े बैंगन लिए हैं, तो इस पर हम अच्छे से तेल लगा लेंगे ताकि बैंगन जल्दी से सिक जाए। बाहर से अच्छे दिखने वाले बैंगन में भी कीड़े हो सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर ऐसे दो कट लगाएंगे ताकि हम अंदर भी देख सके। तो इसी तरह हम दूसरा बैंगन भी तैयार कर लेंगे। अब हम ये दोनों बैंगन को अच्छे से सिक लेंगे, तो इसके लिए हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पर सिकेंगे। आप चाहे तो स्टैंड पर भी सिक सकते हैं। तो इस तरह घुमाते जाएंगे और सिक लेंगे। बैंगन का नीचे का हिस्सा इस तरह चिमटे से सिक लेंगे। तो दूसरा बैंगन भी हम इसी तरह सिक लेंगे। तो ये देखिए, दोनों बैंगन को हमने अच्छे से सिक लिए हैं। इस पर प्रेस करने से इसका छिलका अलग फील होगा। अब हम ये बैंगन को थोड़े ठंडे होने देंगे। बैंगन ठंडे हो गए हैं, अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। अब हम ये बैंगन को इस तरह चप्पू से कट कर लेंगे। तो अब हम ये बैंगन का तड़का लगा लेंगे। तो इसके लिए हम दो कटी हुई हरी मिर्च लेंगे, दो छोटी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट लेंगे, चार से पांच छोटे प्याज को हमने छोटे टुकड़े में काट लिया है, चार से पांच छोटे टमाटर को कट कर लिया है, थोड़ा कटा हुआ धनिया लेंगे। इसके अलावा तड़का लगाने के लिए तेल और मसाले लेंगे। एक बर्तन में हम चार बड़े चम्मच तेल गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और आधा छोटी चम्मच राई डालेंगे। इसे हम सिक लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी हींग डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा कलर चेंज होने तक हम इसे सिक लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। तो देखिए, प्याज ट्रांसपेरेंट कलर का हो गया है। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे हम तेल ऊपर दिखने लगे तब तक सिक लेंगे। तो ये देखिए, प्याज और टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। तो थोड़ा नमक डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच गर्म मसाला डालेंगे, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि हमने पहले से ही अदरक लहसुन वगैरह डाल दिया है। अब हम इसमें मैश किए हुए बैंगन डाल देंगे। तो एक से दो मिनट तक बैंगन का भरता चलाते हुए पका लेंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़ा धनिया बचाकर हम इसमें सादा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे।
कटा हुआ धनिया डालकर गार्निश कर लेंगे। तो तैयार है बैंगन का भरता, आप इसे विंटर सीजन में एंजॉय कीजिए।